सो गाइस आप जैसे ही अपने पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करने जा रहे हो गाइस तो आपके सामने एक प्रॉब्लम जरूर आता होगा। तो प्रॉब्लम क्या आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने जैसे ही पेटीएम वॉलेट पे क्लिक किया गाइस एंड यहाँ पे क्या लिख रहा है, पेटीएम वॉलेट इज करंटली अनअवेलेबल एंड पेटीएम मिनी केवाईसी भी नहीं हो रहा है। बट गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक प्रॉब्लम को मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया एंड ये प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स आउट हो चुका है। अगर आप भी अपने पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर गाइस इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना गाइस। बट गाइस आप इस वीडियो को पहले एंड तक देखो एंड इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कैसे इस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कर सकते हो एंड कैसे आप पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जो रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, इस पे प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं आपके लिए कोई न्यू वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आप उस हमारे न्यू वीडियो को सबसे पहले देख सके। एंड गाइस पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है ना, यहां पे आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है। आने के बाद गाइस आपको यहां पे सर्च कर लेना है पेटीएम एंड गाइस पेटीएम में अगर आपका अपडेट शो हो रहा है तो सबसे पहले आप पेटीएम को अपडेट कर लीजिएगा। एंड गाइस देखो मैंने पहले से पेटीएम को अपडेट कर लिया एंड यहाँ पर क्या करना है, आपको पेटीएम को ओपन करना है। एंड गाइस ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखो आपको प्रोफाइल का एक आइकन मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की साइड में, यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। एंड गाइस क्लिक करने के बाद गाइस आपको नीचे आना है। एंड गाइस नीचे आ जाने के बाद गाइस आपको देखो सबसे नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन शो होगा 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट, आप सबसे नीचे देखो आपको ये ऑप्शन पे डायरेक्टली क्लिक करना है। एंड गाइस जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लेगा तो आपको वेट करना है, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे गाइस देख रहे हो चूज ए सर्विस योर नीड हेल्प विथ में एक ऑप्शन मिल रहा है आपको पेटीएम वॉलेट का, तो आपको पेटीएम वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा पेटीएम वॉलेट, आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे चैट विथ अस, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा तो आपके देखा यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे लिखेगा हाई आई एम योर असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा माई वॉलेट इज showing as inactive, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना एंड यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा वेट करना एंड यहाँ पे देखिए रिप्लाई आएगा पेटीएम असिस्टेंट की ओर से। तो वहाँ पे गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको देखिए एक ब्लू कलर का हेयर का एक ऑप्शन शो हो रहा है तो आपको हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे गाइस आप देखो थोड़ा सा वेट करना है। एंड गाइस आप यहाँ पे देखो आपके सामने यहाँ पे क्या लिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर वॉलेट इज एक्टिवेट, यहाँ पे देख सकते हो वॉलेट एक्टिवेट हो चुका है। बट गाइस ये एक्टिवेट अभी हुआ है कि नहीं, चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको क्या करना, नीचे यहाँ पे देखो ऐड मनी टू वॉलेट के वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा गाइस यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे गिफ्ट वाउचर मिलता है ऐड मनी टू में, तो आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पेटीएम वॉलेट, तो नीचे ब्लू कलर से शो रहा है एक्टिवेट इन वन सिंपल स्टेप, तो आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप जैसे ही कर लीजिएगा गाइस यहाँ पे क्या लिखेगा, प्लीज सबमिट योर बेसिक डिटेल्स टू एक्टिवेट पेटीएम वॉलेट। तो पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे उसका फिलअप करना है एंड फिलअप करने के बाद गाइस एक्टिवेट माई पेटीएम वॉलेट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी चलिए गाइस यहाँ पे करके ट्राई करते हैं एंड एक्टिवेट होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आपका अपने डिटेल्स सबमिट कर लेने के बाद गाइस आपको नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है एंड एक्टिवेट माय वॉलेट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं गाइस यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बैक हो जा रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना है पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कराने के लिए, तो सिंपल गाइस पेटीएम में केवाईसी स्टार्ट हो चुका है, आप पेटीएम को फुल केवाईसी करवा लीजिएगा। आप कहीं भी जाइएगा पेटीएम स्टोर पे तो वहाँ पे आपको फुल केवाईसी कर दिया जाएगा।
जाएगा। मैंने इस खुद करवाया है कुछ दिन पहले एंड गाइस मैं आपको बता दूं मेरा केवाईसी सक्सेसफुली पूरा हो चुका है एंड इसमें आपको कुछ चार्ज लगेंगे एंड आपका पेटीएम जो होगा ना पेटीएम फुल केवाईसी हो जाएगा एंड गाइस आपका वॉलेट भी एक्टिवेट हो जाएगा। बस गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है पेटीएम को फुल केवाईसी करवाना है तभी आप पेटीएम का यूज कर पाओगे एंड पेटीएम का वॉलेट का यूज कर पाओगे एंड पेटीएम का पेटीएम में आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा आप उसका भी यूज कर पाओगे। दोस्तों आज के वीडियो में आप जान गए होंगे कि कैसे आप पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हो कैसे पेटीएम को केवाईसी करवा सकते हो। गाइस मैं जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसमें आपको स्टेप बताऊंगा एंड उसमें मैंने जो केवाईसी किया उसको मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना है, तो फिर से मिलेंगे ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।